मॉर्निंग बच्चों, आई एम केडी प्रसाद। आप कौन प्रसाद है भाई बहनों? बच्चों चलिए मैं आपको आज ले चलता हूं डायमेंशनल इक्वेशन के लिमिटेशन की ओर। तो कुछ बच्चे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो कहते होंगे, सर डायमेंशनल इक्वेशन की एप्लीकेशन कहां चला गया जो आप लिमिटेशन पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों आप इस बात को समझे, इसके पहले वाला लेक्चर में हम डायमेंशनल इक्वेशन का एप्लीकेशन बताए हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन के बावजूद भी डायमेंशनल इक्वेशन के कुछ लिमिटेशन है। कुछ बच्चा बोले हो मैं लिमिटेशन क्यों पढ़ूं, हर कोई एडवांटेज पढ़ता है, मैं लिमिटेशन क्यों पढ़ूं, क्या फायदा? यही समझना है, डायमेंशनल इक्वेशन के लिमिटेशन पर भी आपके आईआईटी में, नीट में और बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन के लिमिटेशन। तो बच्चों आप ये भी जान लें, डायमेंशनल इक्वेशन के चार एप्लीकेशन था मतलब आप पढ़ चुके हैं, और वो चार एप्लीकेशन में ही कहीं ना कहीं लिमिटेशन भी है। क्या क्या है हम वन बाय वन सीखते चलेंगे, और किस पर कैसे क्वेश्चन बनता है वो देखते चलेंगे। तो चलिए आप रेडी हो जाइए, हम केडी हैं। पहला एप्लीकेशन था डायमेंशनल इक्वेशन का, एप्लीकेशन वर्ड को गौर करेंगे, टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल फॉर्मूला। पहला एप्लीकेशन है, हम किसी फिजिकल फॉर्मूला को टेस्ट कर देंगे। ये चिल्ला चिल्ला बोलता है डायमेंशनल इक्वेशन, लेकिन बच्चों जब उस डायमेंशनल इक्वेशन के पास हम ले गए तीन तरह के फंक्शन, हम बोले डायमेंशनल इक्वेशन महाराज जरा ये तीन फंक्शन को चेक करें, साइन टू थीटा वाला, ई पर पावर एक्स वाला, लॉग एक्स वाला, दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को हम ले गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम ले गए, लॉग फंक्शन को हम ले गए, इन तीनों का इक्वेशन डाला गया। जैसे आप जानते हैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसी प्रकार अलजेब्रा में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन होता है, लॉग फंक्शन का एक्सपेंशन होता है। हमने कहा महाराज आपने कहा है हम किसी भी फिजिकल फॉर्मूला को टेस्ट कर देंगे, तो लीजिए डायमेंशनल इक्वेशन महाराज, ये तीन तरह के फंक्शन को टेस्ट कीजिए। डायमेंशनल इक्वेशन कहता है केडी भाई क्यों परेशान कर रहे हो, हम तीन तरह के इक्वेशन को टेस्ट नहीं कर पाते हैं। हम बोले क्यों, आप तो चिल्ला चिल्ला बोले थे कोई भी फिजिकल फॉर्मूला को टेस्ट कर देंगे, ये तीन तरह के क्यों नहीं? दैट मीन्स इट इज योर लिमिटेशन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट कैन नॉट एबल टू टेस्ट दैट ऑफ, इसको मिटा दे रहा हूं, इस पर बात आगे करेंगे, दैट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कॉमा लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तीन तरह के फंक्शन को, ए मैंने कौन डायमेंशनल इक्वेशन, तीन तरह के फंक्शन को टेस्ट नहीं कर पाता है। अब कहेंगे सर क्यों नहीं, इसकी मैकेनिज्म समझो। बच्चों अगर आप साइन फंक्शन लेते हो, कॉस फंक्शन लेते हो, टैन फंक्शन लेते हो, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कोई भी लेते हो, तो ध्यान लगाओ एंगल का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, और एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होने के कारण साइन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, कॉस का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, टैन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं। डायमेंशनल इक्वेशन तो काम करता है डायमेंशन के आधार पर, और जिसका डायमेंशन फॉर्मूला ही नहीं होगा उसको कैसे चेक करेगा? इट मीन्स आप ये कह सकते हैं चूंकि एंगल का
डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को चेक नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है हम वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम मैथमेटिकल मेथड से इसको चेक कर सकते हैं ये राइट है कि रॉन्ग है। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं, चूंकि एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, दैट्स व्हाई डायमेंशनल इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को नहीं चेक कर पाता है। अब आइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई तो जस्ट एक नंबर है, आपको पता होना चाहिए ई का वैल्यू 2.71 होता है, ई एक नंबर है, नंबर तो डायमेंशनलेस होता है, इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डायमेंशनलेस हो गया, और चूंकि डायमेंशनलेस है इसीलिए चेक नहीं कर पाता है। लॉग का एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है, लॉग का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए लॉग का जो भी फंक्शन होगा वो डायमेंशनलेस होगा और उसको चेक नहीं कर पाता है। तो ये तीन पॉइंट अगर माइंड में आप सीखे हैं तो इसका क्या मतलब है, आइए मैं एग्जांपल लगाता हूं। पहला एप्लीकेशन पर एग्जांपल आपके सामने लाते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहां पर, हम कहते हैं इफ वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स वेयर एक्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के। वाई क्या है मालूम नहीं, ए क्या है मालूम नहीं, कहता है के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। कहेंगे सर अभी तो आपने बताया एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, यही तो कंसेप्ट है, यही पकड़ना है। वाई क्या है मुझे पता नहीं, जानने की जरूरत भी नहीं। ए क्या है मुझे पता नहीं, जानने की जरूरत नहीं। अब कहता है इस इक्वेशन में आप के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। जरा क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूं, इफ वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स वेयर एक्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के। कैसे बनाएंगे वो देखिए, देखिए इसको मिटा रहा हूं। अभी आप क्या लर्न किए, चलिए इसको सॉल्यूशन में चलता हूं, एक बार फिर से लिखता हूं यहां पे सॉल्यूशन। मैं इस लिमिटेशन पे क्वेश्चन बना दिखा रहा हूं, हमारे पास इक्वेशन है वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स। अभी आप क्या पढ़े, एंगल होता है डायमेंशनलेस और इसी कंसेप्ट पर ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब बताओ जब एंगल डायमेंशन लेस है तो एंगल की जगह पर कौन है, के एक्स है। एंगल की जगह पर कौन है, के एक्स है। तो हम के एक्स इक्वल टू लिखेंगे डायमेंशन लेस, के एक्स इक्वल टू लिखेंगे डायमेंशन लेस। अब जब डायमेंशन लेस है तो कोई नंबर ले लो, अरे डायमेंशन लेस डिजिट कहां से स्टार्ट हो रहा, वन टू थ्री फोर, वन से, तो वन ही ले लो। चलिए अब आपको k निकालना है, 1 बाय एक्स लीजिए। अब k का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो इसका हो जाएगा x डिस्प्लेसमेंट है, क्वेश्चन में क्लियर था, यहां पर l होगा और l पर पावर माइनस वन। लीजिए k का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया l पर पावर माइनस वन। तो बच्चों आप क्या सीखे, क्या समझे, अगर एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है तो इसका क्या मतलब है, क्या इस टाइप का क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते हैं? इसी बात पे डील करते हैं कि एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है तो एंगल के जगह पर जो कुछ भी होगा उसको डायमेंशन लेस लेंगे और वहां से अननोन रहेगा उसे हम नोन करेंगे। एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और इसी टॉपिक पर, वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी where x equal to displacement, d equal to time, y क्या है मालूम नहीं, y क्या है मालूम नहीं, a क्या है मालूम नहीं, हमें y और a का चिंता भी नहीं। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहता है वो जरा सुनिए, क्वेश्चन कहता है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ
नंबर वन में के, नंबर टू में ओमेगा, नंबर थ्री में ओमेगा वाई के, यही क्वेश्चन है। आप जरा दिमाग लगाए, एंगल के जगह पे कौन है? जब भी साइन कॉस टैन कॉस है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा, अटैक ऑन द एंगल, अटैक ऑन द एंगल, क्योंकि एंगल होता है डायमेंशन लेस। अब कहेगा सर एंगल डायमेंशन लेस है तो क्या फायदा? इसी से फायदा होगा। देखिए के का निकालना, ओमेगा निकालना, ओमेगा बाई के, अब ध्यान लगाइए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कहीं पर अगर ऐसा है y इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा, तो एंगल कौन है? अल्फा है कि बीटा है कि अल्फा प्लस बीटा है? आप निश्चित रूप से कहेंगे सर दिस पोर्शन इज एंगल। यहां पर अगर अल्फा प्लस बीटा एंगल है तो आप बताओ यहां पर कौन एंगल है? kx माइनस ओमेगा t, ये भी एंगल का एक पार्ट है, ये भी एंगल का पार्ट है, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस। देखिए कैसे बनाएंगे, kx इक्वल टू डायमेंशन लेस। आप जरा बताइए kx का वैल्यू क्या हो गया? 1। डायमेंशन लेस 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, फर्क नहीं पड़ता है। डायमेंशन के बाजार में सारे नंबर का एक ही मीनिंग है, डायमेंशन लेस। यहां पर तो अब हमें k चाहिए, अभी अभी आप बनाए थे, लीजिए इसको बिग ब्रैकेट से क्लोज कर दो, डिस्प्लेसमेंट एल होगा, एल पर पावर माइनस 1। क्या समझ ना रहा? जी सर। चलिए भाई अब निकालना ओमेगा का, इट इज ऑल्सो एंगल। भाइयों बहनों ये भी एंगल है, याद है भाइयों बहनों ये भी एंगल है। तो ओमेगा टी इक्वल टू डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस वन ले लेता हूं, ओमेगा इक्वल टू 1/t, ओमेगा इक्वल टू, चलिए बिग ब्रैकेट से डालिए, परंपरा है फिजिक्स का, जब भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं बिग ब्रैकेट, टाइम है, टाइम का कैपिटल डी, लेजे आ गया टे पर पावर माइनस 1, ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया टे पर पावर माइनस 1। कैसे बन रहा है? एंगल लेस है, सॉरी एंगल डायमेंशन लेस है, उसी पे बन रहा है। अब किसका निकालना था? ओमेगा बाई के, ओमेगा निकलिए गया, के निकलिए गया, रख दो उसको नंबर थ्री में। अरे ओमेगा भाई के मांगे, चल के बाय ओमेगा मांगे, ओमेगा भाई के, ओमेगा कितना बताओ, कितना लाया बताओ, ए पर पावर माइनस 1, के का कितना लाया था जी, एल पर पावर माइनस 1, ऊपर ले चलो एल और यहां आ जाएगा टी पर पावर माइनस 1। बताओ ओमेगा भाई के का हो गया डायमेंशन फॉर्मूला एल टी पर पावर माइनस 1। अच्छा बताओ अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि ओमेगा बाई के किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहेगा अरे डायमेंशन फॉर्मूला एल टी पर पावर माइनस 1, इट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। हालांकि कुछ बच्चा स्पीड भी कह सकता है, दोनों का जवाब सही है, क्योंकि स्पीड का भी डायमेंशन फॉर्मूला एल टी पर पावर माइनस 1, अब वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला भी एल टी पर पावर माइनस 1, तो दोनों सही है। That means omega by k represents velocity or speed. तो आपने क्या सीखा? पहला पॉइंट सीखा, it cannot able to test that of trigonometrical function, law function, exponential function. अब मैं आपको लाता हूं exponential function पर कैसे क्वेश्चन बनेगा। ये सब प्रैक्टिस करते रहिए, और ये सारे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट से टच में रहिए। वेबसाइट है www.iitcampus.co.in, इसी वेबसाइट से आपको पीडीएफ मिलेगा। चलिए अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा खासा न्यूमेरिकल होता है कंपटीशन में। जैसा मैं कह दूं y इक्वल टू e पर पावर kx, एक सिंपल एग्जांपल, और हम कहते हैं फिर वही कहानी, x है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिख दिया, कहता है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, मुझे लगता आप बना लेंगे बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, वाई क्या है मतलब नहीं, ये पूरे फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर डायमेंशन लेस। तो बनाएंगे कैसे भाई, वो देखिए, जब ये पूरे फंक्शन डायमेंशन लेस है तो ऐसे करो, ई का जो पावर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में माइंड कंसेंट्रेट करना ऑन द पावर, ई का जो पावर है वो के एक्स, के एक्स इक्वल टू डायमेंशन लेस,
पूरा फंक्शन जब डायमेंशन लेस होगा, पावर भी डायमेंशन लेस होगा, हमेशा पावर पर ध्यान रखना। लीज ऑफ के इक्वल टू हो गया 1/x, फिर वही घिसा पिटा बात, एल हो गया एल का पावर माइनस 1, क्लियर। तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा, फिर तो सुनो, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा तो एंगल पे दिमाग लगाना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा तो पावर पे दिमाग लगाना। चलो एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल यहां लेता हूं, y इक्वल टू ए बाई बी ई पर पावर माइनस के एक्स, ऐसा ले लेता हूं। और अब आपसे कहता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए k का, और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए a बाई बी का। हाँ, यहां कहानी बता दे रहा हूं, x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इस बार y बता रहा है, a भी है डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डॉक्टर का राइटिंग है, ऑफ नंबर एक में k, नंबर दो में a बाई बी, हमें गुट्टा a बाई बी का चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला, बनाओ, वीडियो पॉज करो फिर बनाओ, बना सकते हो, ट्राई करो, ट्राई करो, तब तक इधर मिटाने काम कर रहे हैं, ट्राई करो, मेरा इंतजार मत करो, ट्राई करो, ट्राई करो, कर रहे हो ना। नंबर एक में पहले के का माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं, डायमेंशन के बाजार में माइनस प्लस की कोई वैल्यू नहीं है, के एक्स इक्वल टू डायमेंशन लेस वन, ये हो जाएगा 1/x, लीजिए वहां पर 1/l, l पर पावर माइनस 1, आप निकालना a बाई बी का, वो कैसे करेंगे बताओ, ये तो निकाल लिया होगा मुझे पता है, ये डायमेंशन लेस है, इसको हटा दो, हियर ये डायमेंशन लेस है तो इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इसके इक्वल होगा, अरे हियर a by b इक्वल टू y, क्यों भाई ये कहां चला गया, वो डायमेंशन लेस है, वो भाग गया, तो इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू दिस, लीजिए a by b, y क्या डिस्प्लेसमेंट l, दिस इज आंसर, क्लियर है। तो कैसे डायमेंशनल इक्वेशन के लिमिटेशन पे काम होता है ये जरा समझिए बच्चों। एक और देखिए, एक और देखिए एग्जांपल है, y इक्वल टू a log 2x प्लस t, वेयर वेयर, चलो यहां कर देता हूं लैम्डा x, वेयर a इक्वल टू टाइम x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन कहता है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लैम्डा, डॉक्टर राइटिंग पकड़ लो, क्या लिखे तरफ बता दो, डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लैम्डा। अब बच्चा सोच रहा होगा ये कैसे बनेगा, दिमाग लगाइए, देखो बच्चों ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो बनाओगे तो निश्चित रूप से आपका नॉलेज बढ़ेगा। लॉ ऑफ फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, ये पूरा डायमेंशन लेस है, लैम्डा एक्स प्लस टी ऑल आर डायमेंशन लेस, लेकिन मुझे टी से कोई मतलब नहीं है, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, ऐसे हियर लैम्डा एक्स इक्वल टू डायमेंशन लेस, क्या लिखा बताओ तो, डायमेंशन लेस लैम्डा एक्स इक्वल टू 1, फिर लैम्डा इक्वल टू 1/x लॉ 1/l, जवाब हो गया l का पावर माइनस 1। तो अभी आपने क्या देखा, एक लिमिटेशन पढ़े हैं, इट कैन नॉट एबल टू टेस्ट दैट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लॉ ऑफ फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्यारे भाइयों बहनों, डायमेंशनल इक्वेशन है तीन तरह के फंक्शन को टेस्ट नहीं कर पाता है, क्या मैकेनिज्म है, क्या कारण है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, लॉ फंक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, अगर डायमेंशन फॉर्मूला ही नहीं होगा तो डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कैसे हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन, और ये इसके कुछ एग्जांपल्स था आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब आपको मैं बताना चाहता हूं सेकेंड लिमिटेशन। चार लिमिटेशन है बच्चों, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके फर्स्ट लिमिटेशन पर ही बनता है, लेकिन आपके एग्जाम में अगर आता है बोर्ड में राइट लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, तो चार पॉइंट देंगे, मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूं। देखिए सेकेंड एप्लीकेशन क्या था पहले वो जरा समझिए। उन्होंने बोला था कि हम किसी पॉसिबल फिजिकल फॉर्मूला को एस्टेब्लिश कर देंगे, अच्छी बात है। डायमेंशनल इक्वेशन चिल्ला चिल्ला बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूं, डायमेंशनल इक्वेशन बोलता है, वो बोलता है किसी पॉसिबल फॉर्मूला को एस्टेब्लिश कर देंगे, अगर वो किसी और मेथड से हो रहा है तो हम अपने डायमेंशन मेथड से भी कर देंगे। हालांकि मैं आपको बताया था जैसे फॉर्मूला एस्टेब्लिश करने के लिए तो डायमेंशनल मेथड के द्वारा एस्टेब्लिश भी हो गया था, ये फॉर्मूला भी एस्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन डायमेंशनल इक्वेशन महाराज के पास, गुरुदेव के पास मैंने ये इक्वेशन लाया सिंपल सा वी बराबर यू प्लस ए डी। हम बोले डायमेंशनल इक्वेशन महाराज आप इसको जरा एस्टेब्लिश करके दिखाइए, हम इसे कैलकुलस मेथड से एस्टेब्लिश करते हैं, हम इसे ग्राफिकल मेथड से एस्टेब्लिश करते हैं, तो जरा आप डायमेंशनल मेथड से भी एस्टेब्लिश कर दीजिए। जैसे ही क्वेश्चन लाए डायमेंशनल इक्वेशन के पास, एक उसी तरह से भड़क गया जैसे लाल कपड़ा देकर के सांड भड़क जाता है, बोले हम इसको एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। हम बोले क्या कीजिएगा, हम इसको केवल टेस्ट करेंगे। अरे महाराज आप तो बोले हम एस्टेब्लिश कर देंगे किसी फिजिकल फॉर्मूला को, एस्टेब्लिश कीजिए, बोला नहीं हम इसको केवल टेस्ट करेंगे। जो बहुत लड़ाई झगड़ा किए तो बोलता है केडी भाई हम वही फिजिकल फॉर्मूला को एस्टेब्लिश करते हैं जिसमें केवल दो टर्म होता है, जैसे इसमें दो टर्म है एक और एक दो, एक और एक दो, इसमें तो तीन टर्म है एक दो तीन, हम इसको केवल टेस्ट कर पाएंगे एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। हम बोले उसी समय क्यों नहीं बोला था कि हम वही फिजिकल फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे जिसमें दो ही टर्म होगा, तुम तो बोला हम कोई फिजिकल फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर देंगे। दैट्स व्हाई ये आपका लिमिटेशन है कि आप वैसे फिजिकल फॉर्मूला केवल एस्टेब्लिश करते हैं जिसमें केवल दो ही टर्म होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट डायमेंशनल इक्वेशन कैन नॉट हैव एबिलिटी टू एस्टेब्लिश दोस फिजिकल फॉर्मूला विच हैव मोर देन टू टर्म्स, दैट इज थ्री टर्म्स फोर टर्म्स। ये इसका सेकेंड लिमिटेशन है, यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं इट कैन नॉट एबल टू एस्टेब्लिश, इट कैन नॉट एबल टू एस्टेब्लिश दोस फिजिकल फॉर्मूला which have more than two terms। बच्चों इस बात को ध्यान रखना, आप डायमेंशन मेथड के द्वारा उसी फॉर्मूला को एस्टेब्लिश कर पाएंगे जिसमें दो टर्म रहेगा, अगर दो टर्म से ज्यादा है तो आप डायमेंशन मेथड से एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, सेकेंड लिमिटेशन। अब आइए थर्ड लिमिटेशन पर बात करता हूं, इस समय को न्यूमेरिकल नहीं बनता है इसलिए इसको आप एज ए सेंटेंस समझिए। थर्ड लिमिटेशन कहां उसका है, जैसे मैं यही फॉर्मूला की बात करता हूं एस्टेब्लिश करने का, तो एस्टेब्लिश कर देता है कौन, डायमेंशनल इक्वेशन। इन हम कहते हैं महाराज यहां पर कोई कांस्टेंट आ गया, इस कांस्टेंट की आप वैल्यू बताइए, तो बोलता है नो नो नो, इसकी नेचर बताइए, तो बोलता है नो नो नो। हम बता रहे हैं महाराज डायमेंशनल इक्वेशन की प्रोसेस हो रही है और उसमें के का जन्म हुआ है, के का नाम है कांस्टेंट और इस डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो बताओ डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। आपके प्रोसेस में जन्म लिया है के, आपके प्रोसेस में के का डेवलपमेंट हुआ है, इसकी वैल्यू बताओ। डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो कितना है, अरे के का वैल्यू तो 2 होगा तो भी डायमेंशनलेस होगा, के का वैल्यू 3 होगा तो भी डायमेंशनलेस होगा, के का वैल्यू 300 होगा तो भी डायमेंशनलेस होगा, के का वैल्यू -2 होगा तो भी डायमेंशनलेस होगा, के का वैल्यू -10 होगा तो भी डायमेंशनलेस होगा, तो अरे के का वैल्यू बताओ और नेचर बताओ।
कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसकी वैल्यू करना है। इतना सब बात उससे किए, पूरा छेड़छाड़ किससे, डायमेंशनल इक्वेशन से। तब कहता है केडी भाई, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट का वैल्यू हम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं, कहां मिलेगा? बोलेगा एक्स का वैल्यू आएगा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। हम बोले अरे काम धाम आपका हो रहा है और वैल्यू आएगा एक्सपेरिमेंट से, बच्चा जन्म ले रहा आपके परिवार में, लालन पालन हम करेंगे, कहां का नियम है? दैट मीन्स डायमेंशनल इक्वेशन कैन नॉट गिव द वैल्यू एंड नेचर ऑफ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। दिस इज द थर्ड ड्रॉबैक्स, थर्ड फेलियर पॉइंट ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन। इट कैन नॉट गिव वैल्यू एंड नेचर ऑफ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। ये तीसरा लिमिटेशन है बच्चों, ध्यान लगाएं। डायमेंशनल प्रोसेस में जो कॉन्स्टेंट आता है उसमें केवल हम डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट कहते हैं। उसकी अगर वैल्यू निकालनी होगी तो हमें उसकी टर्म का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हम उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। अरे डायमेंशनल इक्वेशन से किसी भी डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता नहीं चलता है, इवन नेचर ही पता नहीं चलता है कि प्लस होगा कि माइनस। लास्ट लिमिटेशन, लास्ट ड्रॉबैक्स, लास्ट फेलियर पॉइंट ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन क्या है वो जरा समझिए। आपको पता है डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी का दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। हम आपसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और आप बताइएगा कि किस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, वेक्टर का कि स्केलर का। मैं यहां देना चाहता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी पर पावर माइनस वन। आप बताएं ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? आप में से कुछ बच्चा बोलेंगे ये डायमेंशनल फॉर्मूला है वेलोसिटी का, ताल ठोक के बोलेंगे वेलोसिटी का है। कोई बोलेगा नहीं ये डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का है, बकवास मत करो। और प्यारे भाइयों बहनों, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। अब दोनों लड़ गया, ये बच्चा बोलता नहीं ये वेक्टर क्वांटिटी डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये बोलता नहीं स्केलर क्वांटिटी डायमेंशनल फॉर्मूला है। प्यारे भाइयों बहनों, ओ ब्रदर एंड सिस्टर, डायमेंशनल फॉर्मूला से ये नहीं पता चलता है कि वो क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। ये डायमेंशनल इक्वेशन का एक लिमिटेशन है। एक सिंपल और एग्जांपल लेता हूं आपको, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? कोई बच्चा बोलेगा वर्क का है, कोई बच्चा बोलेगा टॉर्क का है। आपके लिए नया टर्म है, आगे हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स में इसको पढ़ेंगे। जबकि टॉर्क होता है वेक्टर और वर्क होता है स्केलर। कोई बच्चा बोल रहा है ये वर्क का है, कोई बच्चा बोल रहा है ये टॉर्क का है, अनेक बच्चा बोल रहा है वेक्टर का है, एक बच्चा बोल रहा है स्केलर का है, अन इससे फैसला नहीं हो पा रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला से फैसला नहीं हो पा रहा है क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। दिस इज ऑल्सो ड्रॉबैक्स। तो प्यारे भाइयों बहनों, डायमेंशनल इक्वेशन कैन नॉट आइडेंटिफाई आइदर क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। दिस इज द लास्ट ड्रॉबैक्स ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन। It cannot identify either quantity is a scalar or vector. ये ना तो बता पाता है quantity scalar और vector है। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहां पर समाप्त कर रहे हैं आज, लेकिन आप पूरी समरी को एक बार समझ ले, बहुत ही स्मॉल टाइम में, बहुत ही कम टाइम में डायमेंशनल इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग फंक्शन को टेस्ट नहीं कर पाता है। डायमेंशनल इक्वेशन उस फॉर्मूला को एस्टेब्लिश नहीं कर पाता जिसमें दो से ज्यादा टर्म होता है। डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं दे पाता है। डायमेंशनल इक्वेशन के द्वारा एक पता नहीं चल पाता क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर है। तो बच्चों मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, हम कंटिन्यू वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहे हैं। जैसे पहले बताया डायमेंशनल इक्वेशन के एप्लीकेशन वो जहां इंड होता है, उसी के बाद हमने अगला टॉपिक बताया लिमिटेशन और डायमेंशनल इक्वेशन। इसी के साथ डायमेंशनल इक्वेशन की पूरी पैकेज
कंप्लीट हो जाता है। अब आप इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, मैंने एग्जांपल भी आपको दिखाया, और अगर कोई डाउट होता है तो हमें क्वेश्चन सेंड कीजिए, हम उसकी जवाब देंगे। हाँ, अगर लाइव क्लास में पूछना चाहते हैं अपनी क्वेश्चन को तो लाइव क्लास में पूछिएगा, और जो बच्चा लाइव क्लास नहीं ज्वाइन करे हैं किए हैं अभी तक, वो ध्यान लगाए, लाइव क्लास कंटिन्यू चल रहा है 11 और 12 दोनों का, इसलिए आप इस पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच।